नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सराज में चुनाव प्रचार का शंखनाद, सीएम जयराम बोले योगी आए धामी आए, अब जयराम भी आएगा। अग्निहोत्री बोले 40 दिन बाद पेड़ के नीचे सीएम गुनगुनाएंगे, कोई लौटा दे मेरे बीते दिन। उपचुनाव से आम चुनाव तक महंगाई कम नहीं कर पाई जयराम सरकार, भूपेश बघेल बोले। विक्रमादित्य सिंह बोले जो जा रहा है उसको जय श्री राम, हर्ष महाजन के जाने से एक टके का फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ अब गुज्जर समुदाय की महिलाओं ने भी खोला मोर्चा। कुपवी का बाग स्कूल भूस्खलन में जमीन दोस्त, 4 दिन प्रशासन ने नहीं ली सुध, लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम। अब समाचार विस्तार से। अम्मा, हाँ तैयार हो गया हूँ मैं, अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आ जा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला माँ, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे, और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सराज विधानसभा क्षेत्र के ढीम कटारू में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने शिरकत की। सीएम जयराम ठाकुर ने महिला सम्मेलन के जरिए सराज में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया और कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है, योगी आए धामी आए, जयराम भी आएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। यूपी में योगी आए, उत्तराखंड में धामी आए और हिमाचल में जयराम सरकार आएगी। हिमाचल कांग्रेस ने वीरवार को सुजानपुर चौगान से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाया और नाटियां डाली, प्रदेश भर में खस्ताहाल सड़कों की सुध तक नहीं ली गई। जयराम ठाकुर 40 दिनों के बाद किसी पेड़ के नीचे बैठकर गुनगुनाएंगे कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जो सीएम अपने गृह जिला में हवाई अड्डा तक नहीं बना सके, वो हमीरपुर ऊना रेल लाइन कहां बिछा पाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर को नौकरियां और पर्चे बेचने वाला सीएम के नाम से जाना जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल, हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल, हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल के उपचुनावों में जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान कर बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बात को खुद सीएम जयराम ने माना था। अब आम चुनाव का समय भी आ गया है, लेकिन जयराम सरकार महंगाई को कम नहीं कर पाई है, बीजेपी की सरकारें कथनी के बिल्कुल उलट करती हैं। किसानों का कर्ज तो माफ नहीं हुआ, लेकिन मोदी के 10 उद्योगपति मित्रों का करोड़ों का लोन माफ जरूर हो गया है। बीजेपी कहती थी
कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, लेकिन अग्निपथ योजना लाकर अब नो रैंक नो पेंशन लागू कर दी गई है। 400 रुपए सिलेंडर के दाम पर स्मृति ईरानी धरना प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज वही 1200 रुपए का सिलेंडर उन्हें सस्ता लग रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां केवल पेपर लीक और भर्ती घोटाले ही होते हैं। जो जा रहा है उसको जय श्री राम। हर्ष महाजन के जाने से पार्टी को नहीं पड़ेगा एक टके का भी फर्क, ये बात कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कही। आज हॉली लॉज में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी ने मिशन लोटस के तहत देश भर में कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल करने की मुहिम चलाई है, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल के लिए भी रखा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने से नहीं डरती है। अगर बीजेपी का संगठन मजबूत है तो वो दिन दिहाड़े इस तरह की डकैती क्यों कर रही है। कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, ऐसे में आने वाले दिनों में ये गतिविधियां और भी बढ़ जाएंगी। मोदी सरकार द्वारा गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के फैसले के बाद प्रदेश की जयराम सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस फैसले के विरोध में अब गुज्जर समुदाय की महिलाओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने, आरक्षण कोटा न बढ़ाने और अधिकारों से छेड़छाड़ के विरोध में गुज्जर समुदाय की दर्जनों महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठ गई है। डीसी ऑफिस परिसर में सरकार को चेताने और अपनी मांगों को लेकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठी महिला शक्ति ने दो टूक शब्दों में सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो किसी भी हद तक आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगी। महिलाओं का कहना है कि गिरिपार जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा रहा है और इससे सिरमौर जिला में रह रहे गुज्जर समुदाय के कोटे पर सीधा असर पड़ेगा। शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र कुपवी में ग्रामीणों के विरोध के बाद गुरुवार को एसडीएम कुपवी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भारी बारिश के बाद मलबे में दबे हाई स्कूल बाग का निरीक्षण किया और जमीन दोज भवन को पुनः बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। गत 25 सितंबर को दोपहर बाद बाग स्कूल के भवन पर पहाड़ी से मलबा गिरा था। इससे 4 कमरों, 1 स्टोर और 1 बड़े हॉल वाला स्कूल भवन पूरी तरह मिट्टी में मिल गया था। 4 दिन तक स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसकी सुध तक नहीं ली। बीते कल स्थानीय लोगों के स्कूल प्रांगण में इकट्ठे होकर कुपवी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद एसडीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया, साथ ही नया भवन बनाने का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊ जी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा, इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।